to manage one cyber, and industry that were also removed because the injury was very precious. I was not knowing what should be my with adoptivity. Now, a wheelchair user, you have to rehabilitate. हमारे college को choose किया है. देखिए बच्चों आपको चाहिए कि inspire उन personalities, NGO of human race and media personalities here. Aslam. I am very happy today that I am part of this program where I am getting a chance to tell you about how I reached to the step of my life where I got the Padma Shri Award from the government. हर किसी की ज़िंदगी में जो है ना मुश्किलात आ जाते हैं, किसी की भी लाइफ आसान नहीं है. तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है ना, इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा ही मुश्किलात आ जाते हैं, क्योंकि पहले सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, फैमिली को प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा होता. कोई एक फेज़ ऐसा आ जाता है जब हमें डिप्रेशन फील हो जाता है, जब हम मेंटली वेल नहीं करते हैं साउंड, हमें लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ माय लाइफ. ऐसा मेरे साथ भी हुआ आफ्टर दैट एक्सीडेंट. मुझे बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, बट बंदा ही बेसब्र होता है. यकीन मानो कि अगर हम उस फेज से लड़ेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती. और ख़ुद को एंड करना वो बुजदली होती है, वो किसी को भी आएगा, वो कोई भी कर सकता है. लेकिन उससे लड़ के अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बनाना और दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनना, वो बहुत बड़ी बात है. उसमें मेहनत लगती है, और उस इंसान की मेहनत ही नहीं, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े होते हैं. और जब जब आप एक डिप्रेशन से, एक उस डिफ़िकल्ट फेज से लड़ते हो ना, तो अल्लाह ताला को भी वो बहुत पसंद आता है अपने बंदे का, कि देखो इसने मुझ पे भरोसा रखा बुरे वक्त में, और इसने इससे लड़ा, और वो भी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से नवाजा, मुझे नवाजा है. मैं ये समझती हूँ, मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मैंने सिल्वर जीता, मैं कैप्टन हूँ टीम की, लेकिन मुझे लगता मैं इस लायक थी ही नहीं. लेकिन जो मैंने वो सब्र किया ना, ये उसी का फल था. ज़िंदगी को ख़त्म करना मुझे नहीं लगता वो कोई ऑप्शन होता है. उससे लड़ो, मुश्किलातों से लड़ो. इम्पॉसिबल नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, बट सब्र रखो, हिम्मत रखो, आप देख लेना उसका फल बहुत मीठा होगा. शुक्रिया. कॉलेज कुलगाम में ह्यूमन रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे खदमत खलक कर रही है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज कुलगाम जिस जो वसादत रखी थी दोनों ने. तो इसमें एक डिसेबिलिटी अवेयरनेस का प्रोग्राम चला, जिसमें NSS के वॉलंटियर, यहाँ की फैकल्टी और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें सुना. तो जैसे इंशा बशीर जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है हमारे इंडिया की, जो व्हीलचेयर पे उस वक्त आई जब इनके साथ हादसा हुआ, तो इसी तरह मैं भी व्हीलचेयर पे हूँ. और मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला है जिस्मानी तौर माजूर बच्चों के लिए. तो इस तरीके से हमने भी ज़िंदगी को पहले एक्सेप्ट किया, तो वही बातें हमने शेयर की यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो है, ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं है. इवन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट ईजी, उसको भी एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं कि एक मुल्क को मेंटेन करने में हज़ारों परेशानियाँ आती है. तो इसी तरीके से हमने भी छोटी छोटी परेशानियाँ झेली और हम इसमें उभर आए, और हमने ज़िंदगी का असली मकसद देखा. किसी के साथ अपनी मुसीबत शेयर करते हैं तो हमारे लिए भी रास्ते आसान बन जाते हैं. इंशा बशीर जो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको बुलाया था. ये फेलिसिटेशन सेरेमनी कॉलेज ने इसलिए किया कि अपने बच्चों को इंस्पायर करें हम. तो यहाँ ये जो सेरेमनी हुई थी, ये हमने इन कोलैबोरेशन विद तो जो हमारी एक NGO है यहाँ ह्यूमन रेस, उनके साथ कोलैबोरेट करके कॉलेज ने ये इवेंट मनाया. मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे इंस्पायर हुए जब उन्होंने इंशा बशीर की स्टोरी सुनी, जब उन्होंने जावेद साहब को सुना जो पद्मश्री है, और उन्होंने ग्रेजुएशन हमारे अनंतनाग डिग्री कॉलेज से की है. तो जब उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस उनको बताई, अपने बच्चों के साथ शेयर की, तो मेरे NSS वॉलंटियर्स और हमारे टीचर्स बहुत इंस्पायर हुए. मैं खुद इमोशनली इंस्पायर हुआ. तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स कॉलेज में हों और हमारे बच्चे इंस्पायर हो जाए, और ये लोग जो है हमारे लिए रोल मॉडल हैं. तो हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी तब ग्रो करेगी, कॉलेजेस तब ग्रो करेंगे जब हम करेंगे.
तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे और हम इवेंट्स करें जहाँ हम उनको बुलाएंगे, जावेद साहब, जावेद ताक साहब को और इंशा बशीर को, और हम उनके साथ इंस्पायर, उनके साथ इंटरेक्शन करें, तब ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर हो। थैंक यू वेरी मच।